नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल की बाइक लर्निंग लेसन्स है। आई होप कि आप लोगों को बाइक दिख रहा है। तो देखिए एंड दिस इज़ माय आउटफिट। तो आप लोगों को पता है कि जब मैं लर्निंग क्लासेस करती हूँ तो उसमें मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो दिस इज़ माय आउटफिट। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आती है मेरा जो सलवार कमीज़ हो या फिर चूड़ीदार हो जो भी है। और इसके बारे में भी अगर आप लोगों का कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं। कौन सा टॉपिक के ऊपर आप लोग देखना चाहते हैं, मतलब बाइक लर्निंग लेसन्स में अगर कोई भी टॉपिक आपके पास है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लासेस है वो है टोटली ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, कौन सा ब्रेक हमें कितना यूज़ करना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये कोई अगर प्रोफेशनल बाइकर है तो उनके लिए ये वीडियोस नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा ब्रेक कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द बिगिनर्स, ओके। क्योंकि जब आप एकदम से सीखते हो, सबसे पहले पहले में सीखते हो, तो उस टाइम में आपको जितना ब्रेक यूज़ करना चाहिए वो अगर आप प्रोफेशनली एक बाइकर हो तो उसमें उतना मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है। वो आराम से उनको पता होता है कि कब कितना क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो वीडियोस है ये ओनली फॉर द वीडियोस, ओके। तो देखिए ब्रेक को कितना दबाना है। अगर आप चलते चलते दबाना चाहते हैं तो थोड़ा सा धीरे 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 स्लोली, जैसे मैंने किस तरह से दबा रही हूँ इस तरह से, ठीक है, स्लोली दबाना है। आप झट से मत दबाइए, इस तरह से ब्रेक को आप दबाएंगे तो ये बहुत रिस्क हो जाता है। जैसे कि फ्रंट ब्रेक भी अगर आप दबाते हैं एकदम से ऐसे, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से अगर आप इस तरह से दबा देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप धीरे 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 करके करते हैं तो गाड़ी को भी समझ में आता है कि मुझे अब रुकना है। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी आराम से स्मूथली रुक जाता है, ठीक। तो इसलिए आप कोई भी ब्रेक यूज़ करें, आप रियर ब्रेक यूज़ करें या फिर फ्रंट ब्रेक यूज़ करें, आपको स्लोली दबाना है। स्लोली देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आपको कितना धीरे धीरे दबाना है, कितना धीरे धीरे दबाना है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे इस तरह से, धीरे धीरे बहुत ही स्लोली आपको इसे दबाना है, ठीक है। आप झट से इस तरह से ना ही दबाए तो ही बेहतर है, बिकॉज इस तरह से अगर आप दबाते हैं तो गाड़ी झट से रुकेगी तो ठीक है, लेकिन सामने का जो व्हील होता है वो लॉक हो जाता है। और तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर रहता है और फिर आपका व्हील जो है वो लॉक हो गया तो गाड़ी उलट जाएगी। इसलिए हमेशा धीरे धीरे कोई भी काम आप करें गाड़ी में, आप धीरे धीरे, बहुत स्पीड की ज़रूरत नहीं है, आप बिगिनर्स हैं, स्पीड की ज़रूरत नहीं है आपको, धीरे धीरे, ओके। और यहाँ पे देखिए रियर ब्रेक को भी आप इस तरह से झट से मत दबाइए, आपको धीरे धीरे दबाना है, ठीक है। धीरे 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 करके दबाइए, ठीक। धीरे धीरे करके आप दबाते हैं तो बहुत ही गाड़ी स्मूथली रुक जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। और देखिए दोस्तों मुझे और एक बात आप लोगों को कहना है, यहाँ पे आप लोग कोई भी, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं ये आपको याद में रखना है कि हम बिगिनर्स हैं, तो उसके बाद कोई भी आप ब्रेक यूज़ करें आपको क्लच दबाना ही दबाना है। क्योंकि क्लच जो होता है वो इंजन ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वो अपने आप गाड़ी की जो खुद की ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम करेगी, वो आपकी ज़रूरत है। जो प्रोफेशनल बाइकर हैं उनको ज़रूरत नहीं है, वो यूज़ करें ना करें उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप जबकि एकदम से बिगिनर्स हैं तो आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आप हमेशा कोई भी ब्रेक आप यूज़ करें उसके साथ आप क्लच को ज़रूर दबाएं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट गियर में देना है, पता नहीं कितना आज हो पाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट गियर में डाल दिए हैं एंड देखिए धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, बहुत धीरे धीरे। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और यहाँ पे धीरे धीरे रेस लगाना है। तो देखिए और पैर मेरा, ये जो पैर है रियर ब्रेक के ऊपर है, मैं लेके जा रही हूँ गाड़ी को। बहुत ही मुश्किल हो रहा है आज, बिकॉज गाड़ी में समथिंग इशू तो है एंड गाड़ी ठीक से स्टार्ट नहीं होती, तो मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है कि बीच में फंस जाओ तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए, तो यहाँ पे मुझे डालना है सेकंड गियर शिफ्ट,
सेकंड गियर में मैंने डाले हैं, क्लच को मैंने पकड़े थे, ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं रोकना चाहूँ, सेकंड गियर में चल रही है मेरी गाड़ी, अगर मैं रोकना चाहूँ तो मुझे क्लच दबानी है, एक्सेलरेशन छोड़ना है, देन रियर ब्रेक एंड धीरे धीरे फ्रंट ब्रेक, ओके। तो फ्रंट ब्रेक को हम तभी यूज़ करते हैं जनरली जब हमको एकदम रोकने का टाइम आ जाता है, उसके पहले नहीं, बिकॉज वी आर बिगिनर्स, ओके। हम लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न कोई भी टर्निंग लेते टाइम आप रियर ब्रेक को जरूर दबाएं विथ क्लच। तो यहाँ पे हम फिर से जा रहे हैं, सो आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो फिर से हमें रोकना है, तो क्लच, फुल क्लच, एक्सेलरेशन छोड़ दीजिए, रियर ब्रेक दबाइए, देखिए रियर ब्रेक दबाइए एंड लास्ट में फ्रंट ब्रेक। तो हम यहाँ पे फिर से फर्स्ट गियर्स को यूज़ करेंगे एंड गाड़ी को थोड़ा बहुत घुमाएंगे, थोड़ा चेक करेंगे कोई है या नहीं एंड उसके बाद गाड़ी को हम घुमाएंगे, ओके। घुमाते टाइम देखिए हम रियर ब्रेक को यूज़ कर रहे हैं, रियर ब्रेक को यूज़ कर रहे हैं और क्लच को हम फुल पकड़ के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रंट ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्रंट ब्रेक अगर हम दबाएंगे तो फिर गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं, ओके। तो देखिए हमने रियर ब्रेक को यूज़ करते हुए गाड़ी को घुमाए हैं, ओके। आई होप कि आप लोग देख पाए। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर में गाड़ी जा रही है तो हम इसे सेकंड गियर में शिफ्ट किए, ओके। सेकंड गियर में गाड़ी यूज़ कीजिए तो गाड़ी बहुत स्मूथ जाएगी, क्लच को आप छोड़ दें, क्लच को आप छोड़ दें एंड आराम से चलाइए। एक्सेलरेशन बहुत कम, बहुत ही कम लिए मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं दिए। रियर ब्रेक को नहीं दबाना है, जस्ट पैर उसके ऊपर मैंने रखे हैं, ओके। चलिए चलिए चलते हैं, चलते हैं। फिर से मैं स्टॉप करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए अगर हम रोकना चाहते हैं, क्लच, एक्सेलरेशन छोड़ दिए मैंने, छोड़ दिए, रियर ब्रेक धीरे 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 रुक जाएगी गाड़ी, फ्रंट ब्रेक थोड़ा, ओके, फ्रंट ब्रेक थोड़ा। चलिए चलिए एक ही चीज़ मैं बार बार दिखाती हूँ, पिछले जो वीडियो था उसमें भी मैंने एक ही चीज़, जैसे कि किस तरह से आपको गाड़ी चलानी है, मैंने 4-5 टाइम दिखाए आप लोगों को, बिकॉज एक वीडियो में अगर ठीक से भी आपने देख लिया तो उसके बाद आपको और दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं आएगी, आप आराम से गाड़ी को चला पाएंगे, ओके। सो तो इस तरह से गाड़ी की जो ब्रेक है उसे आपको यूज़ करना है। फ्रंट ब्रेक को बिगिनर्स हैं इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज फ्रंट ब्रेक को देखिए हम क्लच के साथ फ्रंट ब्रेक को यूज़ अगर करेंगे झट से तो गाड़ी झट से दब जाएगी, मतलब झट से। लेकिन मैंने थोड़ा सा जो रियर ब्रेक है उसे मैंने दबा के रखे थे क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ब्रेक को दबाएंगे, क्योंकि ये देखिए हम जा रहे हैं और फ्रंट ब्रेक को तो गाड़ी झट से एक झटका खा जाती है। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये गाड़ी की जो फ्रंट ब्रेक है ना एकदम बहुत ज़्यादा वो ताकतवर होता है, इमरजेंसी ब्रेक उसे हम कह सकते हैं, तो इमरजेंसी ब्रेक हम उसे कह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आप, मतलब आपका जो आदत वो आपको रियर ब्रेक के ऊपर रखना है, फ्रंट ब्रेक को भी यूज़ करना है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, जो लोग स्कूटी चलाते हैं उनका आदत ही हो जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम राइट हैंड का ब्रेक दबा देते हैं, लेफ्ट हैंड का ब्रेक दबा देते हैं, तो इसलिए हम लोगों का एक आदत जैसा हो जाता है कि फ्रंट ब्रेक यूज़ करना, लेकिन बाइक में ऐसे नहीं होता है, आपको रियर ब्रेक यूज़ करना पड़ता है उसके बाद आप फ्रंट ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं थोड़ा धीरे चला रहे हैं तो वो रियर ब्रेक में भी गाड़ी रुक जाएगा, देखिए 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 अभी ये हम रुकेंगे, देखिए देखिए क्लच क्लच फुल क्लच एंड सिर्फ और सिर्फ रियर ब्रेक, ये देखिए गाड़ी रुक गई है। तो ऐसा ही होता है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो बहुत धीरे गाड़ी चलाएंगे ना, बहुत ज़्यादा तो आप स्पीड में नहीं चलाएंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, रियर ब्रेक से भी आप काम चला सकते हैं बट फ्रंट ब्रेक को यूज़ मत कीजिए। सामने का जो व्हील होता है वो एकदम से लॉक हो जाता है, वहीं पर खड़ा हो जाएगा गाड़ी, तो उसमें क्या होता है कि झटका बहुत ज़्यादा खाता है और फिर गाड़ी लेके आप गिर भी सकते हैं,
तो इस वजह से आप ट्राई कीजिए कि रियर ब्रेक के ऊपर आप भरोसा ज़्यादा करें। मैं फिर से दिखाती हूँ, देखिए आप रियर ब्रेक को यूज़ करके गाड़ी को रोक सकते हैं। तो देखिए हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ये देखिए हम जा रहे हैं, तो चलिए रोकते हैं। गाड़ी की स्पीड भी है फिलहाल 20 स्पीड है आपकी, अगर आप लर्नर्स हैं 20 स्पीड इनफ होता है। तो देखिए मैंने एक्सेलरेशन छोड़ दिए हैं एंड क्लच को पकड़ते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ रियर ब्रेक पकड़े हैं, गाड़ी आराम से रुक गई है, ठीक है। सो यही आज का लेसन था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि रियर ब्रेक मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसमें प्रेफर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, और कौन कौन सी टॉपिक के ऊपर, मतलब बाइक लर्निंग लेसन्स के ऊपर कोई भी टॉपिक आपके पास है तो आप वो बता सकते हैं। अगर मुझसे पॉसिबल हुई तो मैं बहुत जल्द वो वीडियो बना डालूंगी। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको ज़रूर 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो आज के लिए इतना ही, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय, टेक केयर, बाय।